The all-new Voot Kids app brings you over 200 plus tunes to watch. आज की ताजा खबर। 5 साल पहले फुरफुरी नगर से मशहूर नीला हीरा चुराया गया था। आज तक ना हीरा मिला है ना ही चोर। पुलिस अपना काम करने में नाकाम रही। अरे माँ, अब तो मेरी नौकरी पक्की चली जाएगी। मैंने इतना तहकीकात किया, इतना ढूंढा, चोर को भी और हीरा भी, जॉन को जेल में भी डाला, पर उसके पास भी हीरा नहीं मिला। मोटू पत्तू, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। चिंगम सर, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। नंबर वन, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मोटू पतलू चिंगम की मदद करना चाहते हैं, इसलिए हीरे की तहकीकात करने म्यूजियम आ रहे हैं। मेरे शैतानी दिमाग में एक ऐसा तूफानी आइडिया आ रहा है कि चिंगम फिर कभी इनकी मदद नहीं लेगा। मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता कि मैंने वो नीला हीरा कहाँ छुपाया है। बॉस, प्लीज हमें भी बताओ ना, आपने हीरा कहाँ छुपाया है? मेयर साहब के बंगले के सामने गाड़ रखा है, वहाँ कोई तलाशी नहीं लेगा। जब चाहूंगा मैं जाके वो हीरा निकाल लूंगा। मोटू पतलू, कब्र पक्की है ना, हीरा यहाँ छुपा है। एकदम पक्की खबर है सर, मोटू पतलू केस सॉल्व करे और वो केस सॉल्व ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। चिंगम, अगर हीरा नहीं मिला तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। ये फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना घर खोदने की इजाजत दी है। सर मुबारक हो, हीरा तो नहीं मिला लेकिन कुआं बन गया है, अब किसी को भी पानी की कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम लोग यहाँ हीरा ढूंढने आए थे या कुआं? चिंगम, इन्हें ले जाओ यहाँ से, मेरे घर का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। लगता है जॉन ने हमें जानबूझ के उल्लू बनाया था। उसे पता चल गया होगा कि हम आ रहे हैं, लेकिन अब उसे नहीं पता कि हम यहाँ हैं। आज उसका राज हम सुन कर ही रहेंगे। हीरा तो उसी ने चुराया है और ये बात बिल्कुल पक्की है। आज मोटू पतलू को ऐसा उल्लू बनाया कि चिंगम फिर कभी उनकी मदद नहीं लेगा। वो हीरा कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई नहीं ढूंढ सकता, जानते हो क्यों? क्यों बॉस? क्योंकि हीरे की चोरी के बाद चिंगम ने मुझे पकड़ के लॉकअप पे डाल दिया, लेकिन मेरी ठीक से तलाशी नहीं ली। हीरा मेरे पास ही था और मैंने उसे लॉकअप में गड्ढा खोद के गाड़ दिया है। सुबह तक फर्श ठीक भी कर दिया था। तुम्हारा मानना है कि हीरा इसी लॉकअप में गड़ा है? हेरा पेरी, सुना तुमने, पहले मेयर के घर को खुदवा दिया और अब मेरा पुलिस स्टेशन खुदवाना चाह रहे हैं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। चिंगम सर, यकीन कीजिए, अरे हम सच कह रहे हैं। चिंगम सर, एक बार हमारी बात और मान लीजिए प्लीज। एक बार और, हेरा पेरी। पतलू, इस तरह तो काम नहीं बनने वाला। मेरे पास एक और प्लान है। हम लोग भेष बदल कर चोरी करेंगे, तब तो चिंगम सर जेल में हमें डाल ही देंगे। फिर हम लॉकअप खोद के हीरा निकाल लेंगे। जल्दी से सारे जेवर बैग में डाल दो। ये लो। अरे भाई, मैगजीन तो गिर गई, अब क्या गोली चलाओगे? अब तो ये सेठ हमें पुलिस में दे ही देगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। आपको जो लेना है ले जाओ, मेरी जान बच दो बस। पर मेरे साथी की रिवॉल्वर की मैगजीन तो गिर गई, अब वो गोली नहीं चला सकता। अब क्यों डर रहे हो? तुम सही कहते हो भाया, चलो चिंगम सर के पास।
चिंगम सर, ये लीजिए डाकू, ये हमारी दुकान में चोरी करने आए थे, इन्हें जेल में डाल दो। तुम दोनों तो नए लगते हो, क्या पहली बार चोरी की है? चिंगम सर, कोई चोर पैदा होते ही चोर नहीं बन जाता, उसे हालात चोर बना देते हैं। मेरी बूढ़ी माँ है, दो छोटे छोटे भाई हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, माँ की बीमारी के लिए, तीन वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं है चिंगम सर, इसीलिए चोरी की। तुम लोग अच्छे घर के लगते हो, लो रुपए लो, जाओ अपनी माँ की बीमारी का इलाज करवाओ, भाइयों को पढ़ाओ, जाओ। नहीं सर, हमने चोरी की है, सजा तो मिलनी ही चाहिए, हमें लॉकअप में डाल दीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम जैसे अच्छे चोरों को लॉकअप में नहीं डाल सकता। लो और रुपए लो, और लो, लेकिन जाओ जाओ जाओ, इससे पहले कि मैं ज्वेलर की सारी ज्वेलरी भी तुम्हें दे दूं, जाओ। अरे क्या जरूरत थी इतना ज्यादा इमोशनल होने की, पूरा प्लान चौपट कर दिया। अरे पतलू इमोशनल नहीं, मैं तो रियल एक्टिंग कर रहा था, सॉरी सॉरी। ओके ओके, फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन लॉकअप खोदेंगे कैसे, इसके लिए डॉक्टर झटका को भी सब प्लान बताना होगा, उनकी मदद तो हमें चाहिए ही चाहिए। साहब, पुलिस कमिश्नर के यहाँ चोरी करते हो, चलो। यू हैंड्स अप। अयोपा, ये कहाँ से ले आए? कमिश्नर के घर में चोरी करने जा रहे हैं, पूरी तैयारी से आया हूँ। अरे क्या जरूरत थी ये निकालने की, हमें तो बस अरेस्ट होना है, और वो अरेस्ट कर रहा था। अरे ये क्या, नकली बाजू का ले आए हो, बबल गम सर हमें पकड़ लेंगे, लाना था तो असली लाना था ना। I am hands up, you are under arrest. अम्मा, सरेंडर सरेंडर, जो लेना है ले जाओ प्लीज। अरे फायर क्यों कर दिया, अब एक ही गोला था, वो गोला चल गया, अब तो बबल गम हमें पकड़ लेंगे, पक्का पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। हैंड्स अप, हैंड्स अप। एक और गोला था पतलू। शट अप, मेरे फादर के घर में चोरी की, इतनी हिम्मत, तुम्हें पता नहीं कि चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। कोई भी अपराधी माँ के पेट से अपराधी बनकर पैदा नहीं होता सर। चिंगमा, इनके ठीक से कातिरदारी करना, ओके? अरे मेरी, इनके लिए इडली डोसा सांभर। कातिरदारी से मेरा मतलब है भागने ना पाए, अच्छी सजा देना, समझे? डॉक्टर झटका प्लान कामयाब हो रहा है, अब जल्दी से कुदाल फावड़ा दे दो। मुझे दे दो। हर किस नहीं, ये हमारा है। मैंने इस हीरे के लिए 5 साल में पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन नीचे से खोद डाला है, पता नहीं ये कैसे खड़ा है, अभी तक तो इसे गिर जाना चाहिए। But
पतलू ये क्या कर दिया? कहीं तुमने हीरा ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन तुमने ही तो नहीं खोदा? हाँ चिंगम सर, हमने ही खोदा है। You were under arrest. मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए हीरा मिल गया। अयमा हीरा मिल गया, ये लॉकअप के नीचे ही था। और वो चोर दोनों कहाँ गए? वो अंदर दब गए क्या? उन्हें बचाना होगा। चिंगम सर, वो दो चोर हम ही थे, ये प्लान हमारा ही था। अरे वो तो बच गए, लेकिन कोई मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं आधा अंदर आधा बाहर दबा पड़ा हूँ। मोटू पतलू, मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये जॉन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ऐसे ही रहो, यही तुम्हारी सजा है। To watch more, download the all-new Voot Kids app and start your 30-day free trial today.